हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और घर के सारे काम मैं ख़त्म करके बस यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे कुछ पौधे पहले लगे हुए थे, उनको जो है काट दिया गया है और यहाँ पे थोड़ी सी मैं सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो है कांटे वगैरह रखे गए थे तो नीचे गिर जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें लगा थोड़ी सी मैं सफाई कर देती हूँ, फिर इसकी गुड़ाई होगी और उस इसमें जो है फिर जो लगाना होगा वही लगाया जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हर जगह से मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो जो कांटे गिरे हैं तो वो साफ़ हो जाएंगे अच्छे से। तो अभी मैंने नहाया नहीं है तो हमें लगा चलो इससे पहले मैं यही काम कर लेती हूँ। और ये आज चांदनी आप लोग देख रहे हैं, चांदनी का जो पौधा लगा हुआ है इसको काट दिया गया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया था और इधर उधर जो है इसके जो है पत्ते गिरते, यानी कि जब बंदर आते थे ना तो इस पे बैठ के इधर उधर हिला देते थे, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये जो है पौधा ख़राब हो गया था। इसकी वजह से इसको काट दिया गया है और बस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो है पौधे भी लगे हुए हैं, जैसे तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं और पुदीना लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और सेम भी लगी हुई है और ये जो सेम है ना ये अपने आप से जगी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गुड़ाई करने लगे हैं, तो ऐसे ही गुड़ाई की जाएगी क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है। और ये मिट्टी टाइट क्या हो गई है कि इससे जो है यहाँ पे आना जाना लगा रहता है ना, इसकी वजह से मिट्टी और भी टाइट हो गई है। तो इसको अच्छे से गुड़ाई की जाएगी तभी ये मिट्टी सही होगी। और बस मैं नहा के आ चुकी हूँ और उसके बाद में फिर से मैं जा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हर जगह की जो है जितना गुड़ाई करना था उतनी गुड़ाई हो चुकी है। और यहाँ पे मैं पुदीना तोड़ लेती हूँ क्योंकि पुदीने की चटनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए, यहाँ पे पुदीना है जो ये पहले लगाया गया था, तो ये जो है ना चटनी के लिए निकल आता है तो इसकी चटनी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये देखिए, ऐसे काटा जा रहा है, क्लिपर के सहारे से काटा जा रहा है। ऐसे मैं हाथ से नहीं तोड़ती हूँ क्योंकि इसको क्लिपर और या कैंची से काटो तो ज़्यादा अच्छा होता है और फिर से ये हरा भरा हो जाता है और भी ज़्यादा उगने लगता है। और ये देखिए, यहाँ पे गोबर की जो पाँस होती है उसको डाल दिया गया है गुड़ाई करके। तो ये पाँस जो होती है पौधों के लिए, जो अब जो भी चीज़ हम लोग लगाएंगे वो अच्छी पैदा होगी और ज़्यादा जो है कोई चीज़ लगाएंगे तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, इसकी वजह से ये पाँस डाली जाती है। और उसके बाद में ये देखिए, पुदीना मैं तोड़ चुकी हूँ और मैं चलती हूँ घर। और अभी जो है खाना पीना कुछ नहीं बना है और इसको जो है इसकी जो है चटनी में बनाऊँगी। और उसके बाद में अभी हमको मार्केट भी जाना है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, संडे का दिन है तो संडे के दिन काम हो ही जाता है। और ये देखिए, यहाँ पे चूल्हा मैं जला दिया है, चूल्हा हमने जला दिया है क्योंकि सर्दी का समय है ना, तो ज़्यादातर चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन होता क्या है कि जब सारे लोग होते हैं तभी जो है चूल्हे में खाना बन पाता है। ऐसे जब कोई नहीं होता, बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतनी जल्दी चूल्हे में खाना नहीं बना पाते हैं तो फिर नीचे ही बनाना पड़ता है। लेकिन आज संडे है तो हमें लगा चलो खाना बना लेते हैं, चूल्हे में ही बना लेते हैं। और जब सारे लोग होते हैं फिर भी बना लेते हैं क्योंकि चूल्हे का काम क्या होता है कि सारे लोग मिलके करते हैं तो जल्दी हो जाता है काम और परेशान भी नहीं होते हैं। इसकी वजह से हमें लगा चलो आज ही मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हम दोनों बहनें काम कर रहे हैं और आटा, ये अपना आटा लगा ले रही हैं क्योंकि अभी रोटियाँ भी बनानी हैं और साथ में खाना भी बनता जाएगा। और इधर मैं इसमें जो मिट्टी की लई लगा लेती हूँ क्योंकि इससे मिट्टी जो है, मिट्टी जो बर्तन में लगा लो ना तो फिर बर्तन जो जल्दी साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा के इसको चढ़ा दिया है और रख दिया है चूल्हे पे। और इसमें मैं सबसे पहले बॉईल करूँगी दूध क्योंकि चूल्हे में जब रोटियाँ बनाओ तो खाली रोटी के लिए चूल्हा जलाओ तो फिर इतना अच्छा नहीं जलता है। और अगर पहले चावल बनाते हैं, दूध बॉईल करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं पहले से चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जो है अच्छा जल जाता है और खाली रोटी के लिए चूल्हा अच्छा नहीं जलता है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है तो इधर दूध बॉईल होता रहेगा। और इधर ये देखिए, ये चूड़ा होते हैं इनको भी मैं छाल लेती हूँ क्योंकि ये चूड़ा दीपावली के हैं तो ऐसे कोई नहीं खाता है इतनी जल्दी। इनको जो है अभी मैं तल दूंगी और तल के सभी लोग खा लेते हैं। ये देखिए, अभी पैसे भी पड़े हुए थे। और इधर ये पुदीना धुल रही है अच्छे से, ये पुदीने की चटनी अभी पुदीना तोड़ के लाए हुए थे, इसको अच्छे से साफ़ करके, वैसे तो साफ़ तो था ही ये लेकिन इसको धुलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने धुल लिया है इसको और इसकी अब बनाएंगी चटनी। उधर मैं चूड़ा तल रही थी। और ये देखिए, चटनी में क्या क्या पड़ता है क्योंकि काफ़ी घरों में चटनी ऐसे ही सिर्फ पुदीने की बनती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब इस तरीके से आप चटनी बनाएंगे तो
मैं यही कहूँगी आप लोग ज़रूर खाएंगे। और इधर ये देखिए कढ़ाई हमारी मैंने रख दिया है, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं पुदीने में सूखा धनिया पड़ा हुआ है और लहसुन की कुछ कलियाँ पड़ी हुई हैं और प्याज पड़ा हुआ है। और हमारे पास आम की कलियाँ तो थी लेकिन मैं उनको जो है भिगोना भूल गई थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास अचार नींबू का रखा हुआ था उसकी जो कलियाँ होती हैं उसको मैंने ऐड करवा दिया है ये देखिए। और हरी मिर्च, तो आप लोग फिर से सुन लीजिए, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ और प्याज और नींबू का अचार का जो मसाला होता है और नींबू की कलियाँ और नमक स्वाद के अनुसार और सूखा धनिया, यही सारी चीज़ें पड़ती हैं इसमें। और ये चटनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है और आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन हरी मिर्च नुकसान नहीं करती, इसकी वजह से ऐड किया हुआ है। और इधर चूड़ा हमारे तल गए हैं ये देखिए, और उधर मैंने तवा भी चढ़ा दिया है और इधर खाना हमारा बनने लगा है। रोटियाँ मैं बेले देती हूँ और ये सेंक लेंगी, इसके बाद में हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए, क्योंकि वहाँ जाने में टाइम हो जाता है और कुछ चीज़ें खरीदनी है, कपड़े भी खरीदने हैं, इसकी वजह से और भी समय लगता है। तो फिर मार्केट में मिलते हैं आप लोगों से। ये वाला अच्छा लग रहा है, रेड वाला बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मार्केट और यहाँ पे कपड़े देख रहे हैं, तो ये अन्नू के लिए यहाँ पे देखे जा रहे हैं और फिर साथ में सोच रहे हैं कि रिया के लिए भी ले लेती हूँ, क्योंकि रिया जो है नहीं यहाँ पे, तो इसकी वजह से उसके साइज़ देखना पड़ रहा था। और फिर हम लोग मार्केट में आ जाते हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी लेते हैं जो ख़रीदना होता, थोड़ी सी सब्ज़ी क्या बहुत सारी सब्ज़ी हो गई थी खरीदते खरीदते, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं घर के लिए। तो ये देखिए कितना झोला भर गया है, अभी हमको घर के लिए फ़ोन करना पड़ेगा तब कोई ले जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन लोगों की हो चुकी है तैयारियाँ, हम लोग घर आ चुके हैं और ये लोग निकल रहे हैं अपने घर। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।